बीते शनिवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन से जुड़े एक प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। बता दें कि यूपी मछली विकास एवं नियंत्रण की नियमावली 2022 में संशोधन किए गए हैं और साथ ही 2022 और 23 के लिए 25 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है, जिससे यूपी के मछली पालन, मछली आखेट और मछलियों की मार्केटिंग से अपनी आजीविका चलाने वाले मछुआरों को खास मदद दी जाएगी। साथ ही गांव में खाली पड़ी अनुपयोगी जमीन, तालाब, पोखर, जलाशयों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे बेरोजगारों को आय के नए साधन भी मिलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने बैठक में लिए हुए निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मछुआ कल्याण कोष से अब गरीब मत्स्य पालकों को आसानी से मकान, इलाज, बच्चों के स्कूल की फीस समेत अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में मछुआरों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ उजाड़ने का काम किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिशा दी है। अपने देशवासियों को और अपने संबंध जो हमारे समुदाय के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने भी एक विश्वास के साथ हमारे उन इन गरीबों पर दया की जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा था, कानून बना के उजाड़ा था, घर द्वार सब छीन लिया था, दैविक आपदा में नदियों से उजड़ते थे और इस जो पिछली सरकारों ने गलत नीतियाँ बना के नहीं उजाड़ा पट्टा। आज मुख्यमंत्री संपदा योजना से हम उन्हें पट्टे धारकों को सब्सिडी दे रहे हैं 40% और एक एकड़ पर लगभग 1,60,000 पर 3,20,000 के आसपास है। दूसरा हम एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, जिसमें पिछली सरकार ने गलती से मछुआरा कौन जो मछली पाले वही पता चला कि इनकी हमारे यहाँ एक विसंगति है कि हमारे यहाँ मछली को भी उर्दू पढ़ने आता है। पिछली सरकारों ने एक उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया था हमारे विभाग में और वो उर्दू अनुवादक एक विशेष वर्ग के थे और हर जिले में उनकी संख्या बाबू हो गए। अब बाबू होकर वो कृत करते रहे कि मछुआरों के जितना भी योजनाएं जाती खत्म हो, आज वो खत्म हुआ। मछुआरा मतलब है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रेखवार भाठम, जो परंपरागत ढंग से मछली पालता वो मछुआरे हैं। राजस्व संहिता 2016 में लिखा है, मतलब क्या खेला होता था कि राजस्व संहिता सीधे सदन से पारित था कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार मछुआरे हैं, लेकिन उसे भी वायलेंट करके कैबिनेट में डाले, उसे खत्म किया। मैं प्रधान मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा बस पालकों के लिए। वह अब इनको हम आसानी से मकान दे सकते हैं जो गरीब हैं, इनका इलाज करा सकते हैं, इनके बच्चों की फीस जमा कर सकते हैं, इनको कोचिंग करा सकते हैं, इनको हम विकास की मुख्यधारा व्यापार कराने के लिए भी, तो इनके लिए पहले हम कोचिंग, अभी तो कुछ गरीब हैं जो जिसे असहाय उन्हें हम जो इनकी जो लिस्ट बनी थी पिछली सरकारों की वो कितना भेदभाव का था कि गरीब हमारी बिरादरी को छोड़ दिया, लिस्ट में नहीं है, ऐसे लोगों को हम मकान दे देंगे। दूसरा हम एक एक हर एक ज़िले में मतलब हम एक एक इनके लिए आवासीय विद्यालय खोलेंगे, जिससे हम इनको लाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इनको भी विकास की धारा में IAS PCS मतलब असली में मतलब एक राजपत्रित अधिकारी बनाने के लिए इनके अंदर चेतना पैदा करेंगे कि जिससे ये भी जाकर अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को।